हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अजय सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय YouTube चैनल विलेज लाइफ विद अजय एंड फैमिली। दोस्तों, मैं सिहोदा से जब निकला आज सुबह करीबन 9:30 के लगभग निकला था मैं घर से। तराना होते हुए अभी मैं ताजपुर पहुंचा हूँ। ताजपुर से थोड़ा सा आगे उज्जैन जा रहा था। मुझे उज्जैन में आज एक परीक्षा देनी है NTPC की और रेलवे की है। फॉर्म डाल दिया था मैंने 2 साल पहले। देखते हैं, अगर पास हो जाएं तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। प्रशांति कॉलेज मिला है मुझे एग्जाम सेंटर शनि मंदिर, उज्जैन शनि मंदिर के पास। आज के वीडियो में तो सिर्फ थोड़ा सा ही बताऊंगा, मैं आपको यही जानकारी दूंगा। लेकिन अभी इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको महांकाल मंदिर के दर्शन कराऊंगा। आपको शायद पता है महांकाल मंदिर हमारा उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे हर 12 वर्ष में एक मेले का आयोजन होता है, सिंहस्थ बोलते हैं जिसे। अभी जो सिंहस्थ है उत्तराखंड में शायद लगने वाला है। इसके पहले इलाहाबाद था और इसके पहले उज्जैन था, शायद 2016 में था उज्जैन। इसके बाद अभी इलाहाबाद का निकला और अब उत्तराखंड में शायद कहीं पे, मुझे पता नहीं कौन सा स्थान है उत्तराखंड में, वहाँ पे भी सिंहस्थ लगने वाला है। वहाँ की उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। मैंने उस वहाँ का वीडियो देखा था, सिंहस्थ के संबंधित रोड वगैरह सब टिप टॉप कर दिए। दोस्तों, मैं आज NTPC की एग्ज़ाम देने जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा आलू की जो फसल है, मैंने पहले भी आपको बोला है कि आलू की फसल पूरी ख़त्म हो गई है। उसके साथ साथ में केले का बागवान है थोड़ा सा, आप देखें केला भी पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। आलू की फसल तो हाथ में नहीं आएगी ऐसी हो चुकी है, क्योंकि आलू पूर्ण रूप से बड़े नहीं हो पाए थे, छोटे ही थे और ख़त्म हो गए। उधर पता नहीं कौन सी फसल है, वो पहचान में नहीं आ रही है, शायद जाम होंगे, जाम की फसल होगी। देखें आलू तो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गए। देखें आप वीडियो, ये आलू है, आलू का खेत है, पूरा ख़त्म हो गया। ये भी पूरा ख़त्म है, केले का भी पूरा ख़त्म है। ये जो ऊपर आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ का एक प्राइवेट स्कूल है, शायद पाटीदार समाज के बंदे ने खोला है। यहाँ पे जो बाकी घर है वो भी पाटीदार समाज, ताजपुर में पाटीदार बहुत है। तो दोस्तों, यही था आज का जो वीडियो है, बहुत छोटा रहेगा क्योंकि आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं। बाइक से, स्कूटर से जा रहा हूँ मैं। आपको तो शायद पता ही होगा कि मैं बाइक नहीं चला पाता हूँ, इसीलिए स्कूटर का उपयोग करता हूँ। आज आपको महांकाल जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे, महांकाल बाबा के दर्शन कराएंगे। 3 बजे के बाद वह वीडियो होगा, क्योंकि मेरी परीक्षा है 1 से 3 के बीच में मेरी एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम NTPC की है। ख़त्म होने के बाद मैं आपको महांकाल दर्शन कराऊंगा उज्जैन, बनते कोशिश में आपको रामघाट के भी दर्शन कराऊंगा। रामघाट और महांकाल दो दर्शन तो कराने की मैं सोच रहा हूँ आपको, दोनों जगह के दर्शन कराऊंगा। ये हम ताजपुर से अभी निकले हैं और समय लगभग 11 का हो चुका है। ताजपुर से हम निकले हैं उज्जैन, अभी यहाँ से 12 किलोमीटर है। ये देखिए, श्री महांकालेश्वर मंदिर, शनि ग्रह मंदिर,
श्री काल भैरव मंदिर, श्री चिंतामन गणेश मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। उज्जैन के बारे में एक सुना है मैंने, कहावत है कि आप चार धाम की यात्रा ना करते हुए अगर उज्जैन के सभी देवताओं के अगर दर्शन कर लिए आपने, सभी मंदिरों के, तो आपकी चार धाम की यात्रा पूर्ण समझ लीजिए, आपके चार धाम के दर्शन आपने कर लिए। मतलब तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है हमारा उज्जैन, मध्य प्रदेश का उज्जैन तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ है। और मेरे शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से, शाहजहाँपुर जिले से मैं, गांव है मेरा सिहोदा, वहाँ से अगर मैं उज्जैन आता हूँ तो मुझे करीब करीब 55 से 60 किलोमीटर के लगभग पड़ता है उज्जैन गांव से, और करीब करीब 2 घंटे का रास्ता है। मैं 9:30 से 10 के लगभग निकला था, अभी 11 के समथिंग हुआ है, 1 घंटा हो चुका है, साढ़े ग्यारह के लगभग हो गया होगा। मैं 12 तक लगभग उज्जैन पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं गाड़ी में जो है स्पीड है मेरी 40-42-50, इसके बीच गाड़ी चलाता हूं मैं। इससे ज़्यादा तेज अगर मैं चलाऊंगा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसका मेन कारण है क्योंकि मेरा जो एक पांव है वो टिकता नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड का पांव ही गाड़ी पे आप नीचे टिका सकते हैं, लेकिन वही मेरा पांव नहीं टिकता है, और तो मैं राइट साइड के पांव को गाड़ी से नीचे टेक के फिर गाड़ी से उतरता हूँ। टेक की भी मुझे हाथ से लगाना पड़ती है और हाथ से ही चढ़ाना पड़ती है। खैर वो तो प्रॉब्लम है, ईश्वर ने दी है, उसको तो मैं फेस कर ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोल स्टोर है शायद ताजपुर का, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, आज जानकारी सिर्फ थोड़ी सी जानकारी थी कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ उससे संबंध में, लेकिन मुझे थोड़े से आलू जले हुए ज़्यादा ही लग रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। फसल इस बार ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार क्या फैसला लेती है किसानों के बारे में देखते हैं। वैसे भी अभी किसान आंदोलन चल ही रहा था, यहाँ पे एक स्कूल है बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, ईसा मसीह वाला स्कूल है लेकिन अच्छा है इस ताजपुर में, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो शायद में कांच के माध्यम से दिख रहा होगा आपको, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी सब्सक्राइब बहुत कम हुए हैं मेरे सब्सक्राइबर, मैं बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही कम है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब बढ़ाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट है ये, मेरुखेड़ी गांव है ये, ताजपुर से आगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।